हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सूजी के ढोकले की रेसिपी। ये इतना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है कि एक बार आप इसे खा लेंगे तो बेसन के ढोकले तो भूल ही जाएंगे। तो फिर देर किस लिए करना, चलिए शुरू करते हैं बनाना। इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे सूजी। मैंने यहाँ पे बारीक वाली सूजी एक कप लिया है। आप कोई से भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही लिया है 3/4 कप दही। दही बहुत ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक और साथ ही डालेंगे 1.5 चम्मच चीनी। आप चीनी की मात्रा को कम या ज्यादा कर सकते हैं। फिर हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट, ये ऑप्शनल है। उसके बाद हम इन सबको मिक्स कर देंगे। शुरू में हम इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि दही में मॉइस्चर होता है, तो इसलिए पहले दही और सूजी को मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका एक स्मूथ बैटर बनाएंगे। तो लीजिए, बैटर भी तैयार हो गया है। मैंने सूजी के डोसा भी बनाया है, आप चाहे तो मेरे चैनल पे उसे चेक कर सकते हैं। तो अब हमारा बैटर तैयार है, तो उसे ढक के हम 15 से 20 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ देते हैं और इसे स्टीम करने के लिए तब तक हम पानी भी गर्म कर लेते हैं। मैंने कढ़ाई में 1 ग्लास पानी डाला है, अब हम इसे ढक के गर्म होने देते हैं। 20 मिनट बाद हम बैटर को चेक कर लेते हैं। बैटर भी अच्छे से फूल गया है और ये थोड़ा सा थिक भी हो गया है। तो अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच और थोड़ा पानी मिलाएंगे। उसके बाद हम इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर देंगे। बैटर ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना पतला होना चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़े चम्मच तेल। आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार और चला लेते हैं। देखिए, बैटर हमारा परफेक्ट तैयार हुआ है। अब जिसमें हम ढोकला बनाएंगे उसे हम तेल से ग्रीस कर देंगे। उसके बाद इंस्टेंट फर्मेंटेशन के लिए हम इसमें डालेंगे 1 पैकेट इनो। उसके बाद इसे हम फिर से मिक्स करेंगे। इनो डालते ही देखिए कैसे बबल्स फॉर्म होने लगे हैं। अब हम तुरंत ही इसे ग्रीस्ड किए हुए टिन में डाल देंगे। इनो डालने के बाद हमें बैटर को ज़्यादा देर बाहर नहीं रखना है। उसके बाद हम टिन को थोड़ा सा टैप करते हैं। उसके बाद चलिए हम इसे स्टीम करने के लिए रख देते हैं। अब हम इसके ढक्कन को हटा के पानी देखिए गर्म हो चुका है। अब एक वायर रैक रखेंगे और इसके ऊपर ढोकले का टिन रख देंगे। उसके बाद हम इसे ढक के 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे। उसके बाद फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। 12 मिनट के बाद मैं एक बार इसे निकाल के चेक कर रही हूँ। चेक करने के लिए एक नाइफ को हम इसके अंदर डालेंगे। देखिए, इसमें अभी भी बैटर लगा है, तो इसे हमें और 5 मिनट के लिए पकाना है। 5 मिनट बाद हम इसे फिर से उसी तरह से चेक करेंगे। देखिए, चाकू बिल्कुल क्लीन आया है, इसका मतलब ढोकला तैयार है। अब हम इसे कढ़ाई में से निकाल के 3 से 4 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए देते हैं। उसके बाद साइड में हम चाकू से इस तरह से कट कर लेंगे और उसके बाद एक प्लेट के ऊपर पलट देंगे। ऊपर से हम हल्के से इस तरह से टैप करेंगे और ढोकला आसानी से निकल जाएगा। फिर उसके ऊपर हम प्लेट लेंगे और फिर से पलट देंगे। तो लीजिए, हमारा ढोकला तो तैयार है। अब हम इस पे तड़का लगाएंगे। उसके लिए एक तड़का पैन में मैंने 3 से 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है। अब हम इसे गर्म करेंगे। तेल कुछ ज़्यादा गर्म हो गया, इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद डालेंगे 1 छोटा चम्मच राई, और जैसे ही राई कड़कने लगे या फूटने लगे हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 हरी मिर्च। आप बहुत सावधानी से डालिएगा, ये बहुत छिटक रहा है। उसके बाद थोड़ी सी कड़ी पत्ता, आप बड़े बर्तन में भी तड़का लगा सकते हैं। उसके बाद इस तड़के को हम तैयार किए हुए ढोकले के ऊपर डाल देंगे। तड़के को अच्छे से पूरे ढोकले के ऊपर में हम फैला देंगे। उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता भी स्प्रिंकल कर देते हैं। उसके बाद हम इसे कट करेंगे। आप कोई भी शेप और साइज का कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़े से बड़े पीसेस रखा है। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी सूजी का ढोकला बनके तैयार है। देखिए, मैं आपको इसको सामने से दिखाती हूँ, इस पे कितना अच्छा से जाली आया है और ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। आप इसे हरी चटनी या मीठी चटनी के साथ सर्व कीजिए। और ये रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।